रिलीज हो चुका है सलार का टीजर भाई, जिसमें है प्रभास है तो उनकी श्रुति हसन है इसमें, मतलब जो मेन रोल अदा कर रही है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इसका। मतलब टीजर का बहुत ज्यादा लोगों को बहुत देर से इंतजार था, बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्लीज वीडियो कट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज का ओरिजिनल। उसी तरह से लगता है। Simple English, no confusion. Lion, cheetah, tiger, elephant, very dangerous. अरे यार क्या मजेदार चीज है रहो। Not in Jurassic Park. Because in that park, there is a... फर्स्ट लुक थी बिल्कुल, एक छोटा सा आग लगा दिया सच्ची में। हाँ। दो मिनट का भी टीजर जैसा वो पुष्पा का था ना, पुष्पा टू का था, वो भी बिल्कुल छोटा सा था। एक छोटा सा टीजर था, वो तो शायद एक मिनट का था मुझे लगता है, लेकिन ये इन्होंने दो मिनट, मतलब एक मिनट 45 सेकंड का ये था टीजर। और उसमें भी प्रभास की एक छोटे सी ही लुक, अच्छी लुक नहीं दिखाई, उन्होंने दिखाई भी नहीं है। लेकिन सच्ची में अभी सुबह के 5 बजे रिलीज होगा, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई टीजर सुबह के 10-12 बजे इतने बजे रिलीज होते हैं, लेकिन यार उन्होंने सुबह रिलीज किया तो अभी तक इतने ज्यादा व्यूज हो गए, लोग इतने पागल हैं। बिल्कुल यार, केजीएफ के जो मेकर्स हैं उन्होंने बता रहे हैं फिल्म बनाई है वैसा ही, बिल्कुल उनका थीम लग रहा था। तो इतना ज्यादा भाई फौज है और सलार जो है उनकी पावर ही इतनी ज्यादा है कि सच्ची में मजा आ रहा है। केजीएफ की आपको पता है गोल्ड माइंस होती है, वैसा मुझे कुछ कुछ लग रहा था, वैसा ही उन्होंने बनाया हुआ है। ऐसी फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स बोल रहे हैं, ऐसी मूवीज को हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं कि यार ऐसी। मैं एक दिन पहले बोल रही थी वो ना जो है ना क्या नाम है रणवीर सिंह की जो मूवी आने वाली है, नेहा मुझे बोल रही थी कि यार उसका टीजर मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया, वही घिसी पिटी स्टोरीज कि माँ बाप लड़के के नहीं मान रहे उनको मनाना है, ऐसी स्टोरीज जो कि आपको पता है कि हर मूवी में तकरीबन यही बॉलीवुड की मूवीज में होता है, तो मजा ही नहीं आता ये देखना। लेकिन ये मूवीज जिसकी स्टोरी ही बिल्कुल अलग है यार, साउथ वाली इंडस्ट्री है ना, इनकी मूवीज की स्टोरीज इतनी ज्यादा अलग होती है ना कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। देख लो यार किसी भी मूवी में आप सेम स्टोरी नहीं कभी नहीं देखोगे कि किसी में एक में उन्होंने स्टोरी को दूसरी मूवी में दोहराया हो, हमेशा उनकी हर मूवी अलग होगी दूसरे की मूवी से। तो मतलब ना ही उन्होंने कभी कॉपी की है बॉलीवुड की, ये बॉलीवुड वाले हमेशा साउथ की जो अच्छी अच्छी मूवीज होती है, हेरा फेरी मूवी जो कि मुझे नहीं था पता आज तक, लेकिन आप लोगों ने बताया कि यार ये भी एक मतलब मलयालम मूवी है उसकी कॉपी की है, हालांकि हेरा फेरी ज्यादा फेमस मूवी है। तो इतनी मतलब मैं सोचती हूँ कि दिमाग है साउथ वालों में कि वो इतनी अलग किस्म की और इतनी अच्छी स्टोरीज लिखती है ना कि हर एक लोगों को जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पसंद बहुत ज्यादा अच्छा है। जिस तरह से वो मतलब अभी ये जो एक थे पता नहीं यार इनका नाम क्या है जो डायलॉग्स बोल रहे थे, तो उनकी आवाज आवाज इनकी ऐसे थी यार गूज़बम्प्स आए। हिंदी मूवीज में आपको पता ही होगा आते हैं और अभी ये इस मूवी में थे, लेकिन उनको बहुत ही कमाल का इसका ट्रेलर था जब ये बिल्कुल टीजर है 28 सितंबर को रिलीज होने वाला इसका आएगा ट्रेलर, जब आएगा हम जरूर उस पर भी रिएक्शन देंगे। अभी 2 माह वैसे है इस मूवी को आने में, बिल्कुल इसमें आग लगा देनी है, इंटरनेट पे देख लेना आज के दिन इस पे बहुत ज्यादा व्यूज आने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो ये टीजर इतना ज्यादा कमाल का लगा। अभी इनकी एक मूवी आई है ना वो सीताराम वाली जो है,
प्रभास की, तो लोगों ने उसपे ना बहुत, हालांकि जो एक्टर होता है ना उसका कोई कसूर नहीं होता इस चीज में, जो बनाने वाले होते हैं उनका होता है, वो बोले कि बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने बदल दिया है डायलॉग्स वगैरह, ये तो राइटर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनका काम था, लेकिन प्रभास ने अपनी एक्टिंग में कोई भी कसर नहीं थी छोड़ी उस मूवी में भी, और इसमें भी हमें उम्मीद है जैसे के जी एफ के स्टार यश ने हमें इतना ज्यादा इंस्पायर किया था उनकी मूवीज आपने की दोनों पार्ट देखी होंगी, तो ये अभी इसका पार्ट वन भैया बदला लेना या ऐसा, या कोई आपको बिजनेस वगैरह तब के टाइम पर जो होते थे उन पर कब्जा जमाना, मुंबई पे जैसे वो कहते हैं कि मैंने कब्जा करना है मुझे मुंबई चाहिए, मिलिट्री में हूँ इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इन्होंने अभी थोड़े थोड़े सीन दिखाए हैं तो हमें ज्यादा कुछ इतना पता नहीं चल पाया, लेकिन पता नहीं चल पाया, लेकिन उनका बहुत ज्यादा दबदबा है ये वो जो बता रहे थे ना उनकी आवाज से ही हमें पता चल गया कि उनका दबदबा बहुत ही ज्यादा है, तो देखेंगे यार ये मूवी जब आएगी, हमें इंतजार रहेगा इस मूवी का, और हमें उम्मीद है ये हमें मूवी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, तो कैसी लगी प्लीज बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलता है, थैंक यू।